और हम लोग क्यों बाय करेंगे, क्या अपना स्टॉप लॉस होगा, क्या अपना टारगेट होगा, तो सब मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उनमें से एक है 11 साल बाद ब्रेकआउट, फिर एक है बॉडी बिल्डर कैंडल वाला ब्रेकआउट, एंड बाकी तीन स्टॉक्स अलग पैरामीटर से हम लोग देख रहे हैं, तो वो बने रहिए वीडियो में। तो आज सारे डिटेल्स में आपके साथ मैं चार्ट शेयर करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले निफ्टी की। तो निफ्टी क्या कर रहा है अभी और अपने को क्या देख सकता है, वॉर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है निफ्टी के ऊपर या तो अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले निफ्टी की, एंड देन बात करेंगे पांच स्टॉक्स की कौन से है, तो वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये है निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बात की थी 19,800 तोड़ता है तो हम लोग स्लाइटली बुलिश होंगे, बट यहाँ पे आप लोग देखो एक दिन नीचे खुलता है तो दूसरे दिन गैप अप होता है, और दूसरे दिन गैप अप सस्टेन नहीं करता और नीचे खुलता है तो पूरा अभी गड़बड़ हुआ पड़ा है पूरा निफ्टी। वॉर सिचुएशन एंड अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया और बहुत सी वर्ल्ड में यहाँ पे World War III की बातें चल रही है, तो निफ्टी थोड़ा बहुत न्यूज के बेसिस पे ही यहाँ पे वर्क करेगा। अभी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी में काम नहीं करेगा अभी थोड़े दिन के लिए। तो चलिए तो भी हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो अभी मैं बात करूं निफ्टी को, तो निफ्टी को सपोर्ट है 19,480 से लेके 19,450, जो मैंने पिछले अपने वीडियोस में बोला हुआ है, तो उसमें यहाँ पे निफ्टी को एक सपोर्ट है। और अभी हम लोग बात करें तो 19,850 और सस्टेन करता है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अभी तो यहाँ से एक ही रेंज दिख रही है मेरे को, 19,800 से लेके 19,400 का निफ्टी का एक 400 पॉइंट की एक रेंज में फंसा हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है निफ्टी थोड़े टाइम के लिए। अगर दोनों एक कोई भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई बात निफ्टी की। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के स्टॉक्स कौन से हैं, एंड थोड़ा बहुत मेरा गला बैठा हुआ है इसीलिए आप लोग थोड़ा बहुत वॉल्यूम ऊपर नीचे हो तो आप लोग देख लीजिए, एंड सॉरी फॉर दैट। तो चलिए बात कर लेते हैं अपना पहला चार्ट कौन सा है। तो पहला चार्ट है अपना, उसका नाम है NMDC। तो चलिए उसका पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं और बाद में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इस चार्ट को। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम करता हूँ इस चार्ट में तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली 2011 में समवेयर अबाउट 155 का इसको एक रेजिस्टेंस था, 155 से 150 का इसको एक रेजिस्टेंस था, वो अभी जाके 2023 में ब्रेकआउट किया। उससे पहले हम लोग बात करें तो 2021 में एक बार अटेम्प्ट किया था बट वहां पे सस्टेन नहीं किया, बट अभी करंटली 2023 में यहाँ पे एक ब्रेकआउट की कोशिश की है और सस्टेन कर रहा है अभी ब्रेकआउट। तो इसमें हम लोग बाइंग क्या करेंगे और टारगेट क्या रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आज के मंथली कैंडल के लो पे आप लोग लगा सकते हो जो बनेगा 140 रुपीस के आसपास आपका स्टॉप लॉस। एंड टारगेट की बात करूं तो 230 का आपका टारगेट बन रहा है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी मार्केट में जो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है बहुत सालों के बाद, 11 साल मीन्स बहुत ही अच्छा बहुत ईयर्स के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग है ऐसे वीक मार्केट में भी। तो आप लोग इस स्टॉक पे ध्यान दे सकते हो, और मैं जो भी बोलता हूँ वो कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है कि मैं जैसे देखता हूँ चार्ट्स वो आप लोग भी देखो और आप लोग खुद अपनी पर्सनली बाइंग कर सकते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। एंड पिछले आप लोग एग्जांपल देख सकते हो, GMDC हो गया तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे ब्रेकआउट हुए, चेन्नई पेट्रो हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, आपके साथ पिछले चार्ट फॉर द वीक में शेयर किए हुए थे और जाके आप लोग उसका रिजल्ट चेकआउट करो। तो ये तो हो गई NMDC की बात। तो यहाँ पे सिंपल सा चार्ट स्ट्रक्चर था, ब्रेकआउट आया हुआ है बहुत सालों के बाद, अपने को स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे काम करना है। कोई भी स्टॉक में आप लोग बाय करो या सेल करो आप लोग को स्टॉप लॉस हर मैंडेटरी है स्टॉप लॉस लगाना। तो इसमें मैं वापस से बोल देता हूँ 140 का स्टॉप लॉस एंड 230 का यहाँ पे टारगेट बैठ रहा है। तो ये तो हो गई अपनी फर्स्ट स्टॉक की बात। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड स्टॉक जो मैंने बताया हुआ है बॉडी बिल्डर कैंडल के साथ। तो ये है MMTC का वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं MMTC। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक बॉडी बिल्डर कैंडल बोल सकते हैं हम लोग। वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देखो ओपन लो सेम है और नीचे से क्या ओपन हुआ और ऊपर तक यहाँ पे हाईएस्ट एवर हम लोग बोल सकते हैं, बहुत वीक के बाद हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मिली है अपने को। तो पहले इसको हम लोग मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो आपको मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत अजीब दिखेगा
क्योंकि बहुत टाइम से ये डाउन ट्रेंड में था और अब जाके अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है अपने लिए। तो इस स्टॉक में हम लोग बात करें तो इसने भी 2014 का एक हाई मारा था समवेयर अबाउट 71 रुपीस के आसपास, तब से अटेम्प्ट तो मार रहा था समवेयर अबाउट 2017 में एक अटेम्प्ट मारा, फिर 2021 में जुलाई में एक बार अटेम्प्ट मारा, फिर वापस से फरवरी 2022 में अटेम्प्ट मारा, बट हर बार अटेम्प्ट मारता है उधर से ही रिवर्सल आ जाता है। तो इस बार आप लोग देख सकते हो मंथली कैंडल 27% की यहाँ पे बनी हुई है और अभी भी जारी है मंथ। और इसके हम लोग देख लेते हैं पहले वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पे वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है एंड बहुत ही अच्छी मारबूजो कैंडल बनी हुई है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, आप लोग देखोगे थोड़ा बहुत वॉर की न्यूज़ से यहाँ पे नीचे खुला, गैप डाउन खुला, बट वापस से आप लोग देखो तेजी। और सोने पे सुहा का इसका वॉल्यूम एक बार आप लोग चेकआउट करो, वॉल्यूम आप लोग चेकआउट करोगे तो क्या वॉल्यूम है, इतने दिन से वॉल्यूम था ही नहीं कुछ भी। आप लोग देखो जब भी रन अप आता है तभी 3-4 दिन के लिए वॉल्यूम आता है और अच्छा 20-30% यहाँ पे रैली आ जाती है। तो इस बार आप लोग देखो और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हम लोग कोई भी देख लेते हैं, वॉल्यूम्स आप लोग चेकआउट करो, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं चार्ट पे तो आप लोग के लिए बाय बन रहा है, बहुत ही अच्छा हो जाता है कोई भी स्टॉक में वॉल्यूम आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें हम लोग बाइंग कौन सा लेवल के आसपास करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा एंड टारगेट क्या होगा। अगर मैं बात करूं बाइंग की तो आप लोग करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 60.50 रुपीज के आसपास आप लोग स्टॉप लॉस बना सकते हो। एंड टारगेट की मैं बात करूं तो 140 का फर्स्ट टारगेट निकल के आता है जो इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है छोटा मोटा सा। तो ये हो गए अपने लेवल्स जो है 140 का टारगेट एंड 60.50 का अपना स्टॉप लॉस। तो थर्ड स्टॉक है अपना मोस्ट फेवरेट टाटा मोटर्स। तो आप लोग के साथ मैंने कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे चार्ट फॉर द वीक की वीडियो में बता दिया है आपको, तो हर बार मैं वही बोलता हूँ, आप लोग देखो रिटेस्ट हो रहा है एंड कंसोलिडेशन हो रहा है। कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है या तो ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन करता है या तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कोई भी स्टॉक के लिए रनअप आने के लिए। तो इस बार भी हम लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे इस बार वीकली में 7% की यहाँ पे तेजी बनी हुई है स्टॉक में, और डेली टाइम फ्रेम देखो तो बहुत दिन के बाद ऐसी अच्छी ओपन लो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है एंड अपना पिछला जो हाई था वो भी क्रॉस कर दिया है इसने, 650 का लेवल था वो भी अच्छा खासा क्रॉस कर दिया है एंड क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया आई है। तो इस स्टॉक में हम लोग का स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होगा, तो स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो 585 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा एंड 1000 रुपीज का अपना टारगेट। और ये जो मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट की बात करता हूँ तो वो आपको 2 से 3 मंथ में यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग 100% गेन करना चाहते हैं कोई भी स्टॉक में तो अपने को 2 से 3 मंथ लग सकते हैं। मैं ये कम बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग पोजीशन बनाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपना फोर्थ स्टॉक के बारे में, जो फोर्थ स्टॉक है अपना टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो जिसने भी अपना 15 डे स्विंग ट्रेडिंग चैलेंज नहीं देखा है उसको आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग ने ये 15 डे स्विंग ट्रेडिंग चैलेंज में हम लोग ने बताया हुआ था ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा था, तो चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल था जिसका 889 से लेके 875 का एक ब्रेकआउट लेवल था, उसने पार किया बट थोड़ा बहुत मार्केट कंडीशन की वजह से नीचे आ गया। कोई भी स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट करता है नीचे आ जाता है एंड वापिस से अपना पिछला जो ब्रेकआउट का हाई था वो तोड़ता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इसके बाद जो मैं चार्ट शेयर करने वाला हूँ वो भी सेम कंडीशन से हम लोग देखेंगे। तो इसकी भी हम लोग बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस होगा 845 का आपका स्टॉप लॉस। एंड टारगेट की मैं बात करूँ आप लोग तो टारगेट होगा 1200 रुपीज का अपना टारगेट। तो चलिए देख लेते हैं अपना लास्ट स्टॉक फॉर द वीक जो है GNFC। और जो मैं बता रहा था कंसेप्ट आपको कि कोई भी ब्रेकआउट करता है स्टॉक और उसके बाद फेल होता है एंड वापिस से ब्रेकआउट करता है तो उसमें दुगनी तेजी बनने का चांस होता है, तो ये है GSFC का वीकली टाइम फ्रेम हम लोग देखे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था समवेयर अबाउट 166 के लेवल के पास और उस वीक हम लोग बोले समवेयर अबाउट 19.38% की यहाँ पे रैली देखने को मिली थी और क्लोजिंग भी अच्छी आई थी, बट वहाँ पे हम लोग देखे तो ब्रेकआउट फेल हो गया एंड अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, हम लोग ने बाय किया होता। बट अभी भी कोई भी स्टॉक आप लोग उठा के देख लो, ब्रेकआउट किया फेल हुआ एंड वापस से ब्रेकआउट करता है अपने हाई को क्रॉस करता है ब्रेकआउट वाले को तो बहुत ही अच्छी तेजी बन सकती है। तो इसमें भी सेम हो रहा है, यहाँ पे वापस से एक मोमेंटम दिखा रहा है अपने को और थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ एंड वापस से हायर हाई मार रहा है ये स्टॉक, तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो और इसमें अपना स्टॉप लॉस होगा 160 रुपीज का अपना स्टॉप लॉस। एंड टारगेट की मैं बात करूँ तो 350 का अपना होगा टारगेट। और ऐसे ही मैं आपको दूसरा एक चार्ट बताना चाहता हूँ जो है JK टायर्स का चार्ट, आप लोग देख सकते हो उसमें भी ब्रेकआउट आया था एंड वापिस से तेजी बनी हुई, ये ब्रेकआउट आया हम लोग ने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इस वीक फिर फेल हो गया एंड वापिस से हाई जब ही कटा तभी हाई से देख लो आप लोग
तो समर अबाउट 50% यहाँ पे रिटर्न हो गया है। तो ऐसे ही चार्ट आप लोग भी कुछ ना कुछ फाइंड करो चार्ट में डिफरेंटली, जो दूसरे को नहीं मालूम हो। तो ये थे अपने चार्ट फॉर द वीक, और वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।